हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज पूर्णिमा एम एन आई एस एन पी टी ट्रेनर एंड प्रेजेंटली माई एम बी ए फ्रॉम यू कुल यूनिवर्सिटी एंड शेयर इंग्लैंड सो टू डेजियो इज गोइंग टू अबाउट दसाइनमेंट हाउ कैन स्टूडेंट प्रिपेयर देर असाइनमेंट बिकॉज स्टूडेंट्स डाउट वैन दे एंटर इन टू देर फर्स्ट क्लास इन दूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज सो उसके लिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा और मैं एक यूट्यूब चैनल पर अपनी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ माई लाइफ एक्सपीरियंस बाई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ नाइन मंथ इन ई के सो अगर आप जानना चाहते हैं और इसके बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको एंड में आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक एंड शेयर करें एंड सारा कुछ जाने तो स्टूडेंट्स जो बच्चों के आपके मन में अगर डाउट आता है कि आप असाइनमेंट्स खुद बना सकते हैं बिकॉज जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है जॉब बिकॉज आपको पता है कि पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है और स्टूडेंट सिर्फ ट्वेंटी आवर्स पर वीक कर सकता है तो उस टाइम एक स्टार्टिंग में हमारे पास एक थोड़ा सा हमें पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल की क्योंकि हमें अपना रेंट भी पे करना फूड भी पे करना है सारा कुछ होता है यहाँ पर एक्सपेंसिज तो हमें एक असाइनमेंट का पे करना पड़ जाता है तो आप उसको इजीली सेव कर सकते हैं कैसे अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ा सा रिलैक्स होके ठीक है जॉब आपको मिल जाएगी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होती टू थ्री वीक्स में आपको इजीली जॉब मिल जाती है यहाँ के लेक्चरर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप अपनी फर्स्ट क्लास में एंटर करते हैं तो आपको टीचर फटाफट से आपका ग्रुप बनाते हैं और आपको बता देते हैं कि ये आपका टॉपिक है इतनी असाइनमेंट्स है और ये इनकी डेडलाइन है सब आपको आपकी यूनिवर्सिटी की ऐप में सारा कुछ वो बता देते हैं कि आपको कैसे बनानी है वो क्लास जैसे आप एक दो दिन जहां क्लासेस लगती हैं उनको अटेंड करो तो आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे लिखना है क्या कहाँ कहाँ कहा से मटेरियल उठाना है वो सब बताते हैं तो कोई भी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा है अगर आपको इंग्लिश में ग्रामर वगैरह आपकी ठीक ठाक है ये ग्रामर का चेक भी नहीं करते बिकॉज ग्रामर सबसे लिस्ट पार्ट पर आते हैं पे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपने अपने कंटेंट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है तो इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी आगे ताकि आप अपनी असाइनमेंट्स खुद बना सको और आपको किसी कोई पैसे देने की भी जरूरत ना हो ठीक है तो क्या है आपके पास कि आप असाइनमेंट्स खुद बनाएं जो बच्चे इंडिया से आइल्स का एग्जाम देकर आते हैं उनको तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें कुछ नहीं करना क्योंकि ये मेरा जमाया हुआ है कि मैंने भी आई ही करी है जी और एकेडमिक दोनों और मेरे एट पॉइंट फाइव बैंडस हैं तो इसके कारण क्या है कि जो आइल्स का राइटिंग क्लास टू का फॉर्मेट होता है आपका इंट्रोडक्शन बीपी वन बीपी टू कंक्लूजन जो मैंने आई थिंक अपनी पहली कुछ वीडियो में बताया है पह, बहुत पहले दो तीन साल पहले तो वही हम फॉर्मेट आप अपनी असाइनमेंट्स में यूज करो टॉपिक आपको वो देंगे और उसके अंदर उसके पॉइंट्स ऐड करते जाओ दैट सेट सेम मैंने करा है सेम उसी फॉर्मेट क्वाइल्स वाले को मैंने राइटिंग टास्ट टू के फॉर्मेट को कॉपी करा ठीक है उसके अंदर इनके जो टॉपिक इन्होंने हमें लेक्चर ने प्रोवाइड करा प्रोफेसर ने उसके ऊपर सर्च करा बुक्स उठाई और उसके अंदर लिख दिया और हमें ईजिली सेवेंटी प्लस मार्क्स मुझे इसमें अचीव हुआ है मेरी सारी असाइनमेंट्स में मेरा फर्स्ट ईयर बिल्कुल क्लियर है और अभी मेरी समर हॉलीडेज चल रही है ठीक है तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है असाइनमेंट्स को लेके और दूसरा क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स से सोचते हैं कि अगर हम खुद बनाएंगे हम फेल हो जाएंगे तो आप इस गलत फाइव मत रहिए मैंने क्योंकि मैं यहां पर रह रही मुझे पता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी और से बनवाई है जो ब, मतलब बनवाते हैं बच्चे यहां पर आकर वो उनमें भी फेल हुए हैं उन्होंने किसी और को पैसे दे बनवाई वो तब भी फेल हो गए ठीक है तो यहां पर टीचर आपको चांस देता है रिसबमिट करने का आपकी कमियां बता देता है बाय चांस अगर आप फेल हो जाते हैं कि आप ये ये करो तो एक बार ही खुद ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप यहां पर आते हैं इंडिया से तो उन्हें पता होता है लेक्चरर्स को सारा कुछ पता है कि ये बच्चे इंडिया से आए हैं इनका जो एकेडमिक स्किल जो इंग्लिश स्किल है वो किस लेवल का है तो वो उनको अच्छे से गाइड करते हैं तो पहले आप खुद ट्राई करो और जो इनकी टाइमिंग असाइनमेंट बनाने की जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्राई करो ठीक है इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगी और कैसे बनानी है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इन सभी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पर होगी ओके बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग ओके बिलीव इन गॉड